शायद उसमें से कई लोग आप उस वक्त इस जग में आए भी नहीं होंगे, तो अम्मा का जो आशीर्वाद है वो अखंड है। अभी जो बहन अपने साथ जो बोल रही थी, उनके दो ही शब्द मैं लेके उसी को मैं आगे कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अम्मा ने उनके लिए जो जो किया है, क्या क्या किया है, कब किया है, उसकी बहुत बड़ी सूची है। जैसे वो कह रही थी कि हम लोग उसके बारे में अगर कहते जाएंगे शायद कुछ लोगों को उसको उसके बारे में अतिशयोक्ति लगेगी, शायद वो चलते ही जाएगा, क्योंकि हर एक के पास इतने अम्मा ने क्या कहते हैं उनको उपकार किए हैं या उनके ऊपर जो आशीर्वाद दिए हैं वो हम गिन नहीं सकते। जैसे माता जी ने कहा, हमारी बहन ने कहा कि हमारा सब भार जो है अम्मा के ऊपर ही है, अम्मा ही हमेशा हमें रास्ता दिखाते आए हैं। कभी कभी हम लोग भी कभी उलझने की स्थिति में रहने के वक्त भी अम्मा का जो क्या कहते हैं जो मार्गदर्शन रहा वो बहुत अमूल्य है। मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने अनुभव कहे, बहुत से लोगों के पास बहुत अनुभव है, कभी किसी को क्या हुआ, किसी को लड़के को जॉब मिला, किसी को और कहीं मिला, किसी को ये मिला, ये तो सब क्या कहते हैं, ये इतने बड़े परमात्मा के लिए ये साधारण बात है। मैं अगर अम्मा ने एक चमत्कार किया ऐसे अगर कहूँगा तो ये मेरी बड़ी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अम्मा जब भगवान है तो वो क्या चमत्कार करेंगे। उन्होंने जो जन्म दिया है, जो सृष्टि चला रहे हैं, ऐसे भगवान के लिए मैं अगर उनको कहूँगा कि अम्मा ने मेरे लिए चमत्कार किया तो मैं नहीं मानता, ये तो उनके लिए बहुत साधारण बात है। उन्होंने हमें हमारे दुख दूर करने के लिए कुछ हमें साहस दिया, कुछ हमें करने की इच्छा दी, कुछ करने के लिए हमें आशीर्वाद दिया, तो उसमें से हम बाहर आ गए। तो इसका मतलब वो नहीं है कि अम्मा यही करते थे। मैं तो कहता हूँ जो अम्मा हमें जो सीख उन्होंने दी है, उनकी सबसे बड़ी सीख है कि हम मध्य मांस का त्याग करें, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि वो त्याग करने से आपके शरीर में बोलिए या आपके मानसिक इसमें क्या आमूलाग्र बदल आएगा वो बहुत ज़रूरी है। अम्मा ने ये मेरे लिए किया, वो किया, ऐसे ये सब कहने से भी अम्मा ने जो जिस चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान दे के आपको कहने को कहा, वो कहा कि भाई आप इसका त्याग कर दीजिए, ये मनुष्य जन्म के लिए ठीक नहीं है, आप इसको मत कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आप हमेशा ध्यान करते जाइए। ध्यान का मतलब क्या है कि आप खुद के लिए कुछ भी समय निकाल के 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, क्योंकि आपका जो आयुष्य है बहुत ही आजकल बहुत समय के लिए बहुत पाबंदी है। हर व्यक्ति को, हर माता को, हर बहन को आजकल समय नहीं मिलता, लेकिन ऐसे समय भी अम्मा ने जो हमें कहा है कि भाई इतने आप व्यस्त होते हुए भी आप ध्यान करते जाइए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, उनके कृपा के ऊपर, उनके कृपा को हमेशा याद कीजिए। तो अम्मा जो कहते थे कि भाई आपको मैं बुद्धि दे रहा हूँ, बुद्धि किस चीज़ की है, मैं निर्गुण और सगुण का क्या कहते हैं व्यवहार कैसे करना और उसको कैसे अलग अलग रूप से देखना उसका है। अम्मा ने मुझे बताया कि भाई ये सगुण रूप मेरा है, मैं जो आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन जो मेरा निर्गुण रूप है वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा और मैं हमेशा वही महसूस करता हूँ। मुझे कभी भी आज तक नहीं लगा कि मैं जब ये पहाड़ के नजदीक या कहीं भी आता हूँ तो अम्मा नहीं है, क्योंकि अम्मा साक्षात परमेश्वर है। ऐसे साक्षात परमेश्वर के बारे में हम ज़्यादा जो हमारा रुख हो, ज़्यादा हमारा ध्यान हो, ऐसे इसमें नहीं करते हुए